लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एक यूनिवर्सल लॉ है और पिछली वीडियो में हमने यही बात करी थी कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो उस पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन अदर वर्ड्स टीपी का बढ़ना घटना ऐसे ही होगा। बट देयर आर सम स्टेजेस टू दिस लॉ, मतलब ये लॉ कुछ स्टेजेस में काम करता है और आज की वीडियो में हम उन्हीं स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये स्टेजेस एक्चुअली में आते क्यों हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज स्टेजेस। ऑलराइट, वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन और आज का वीडियो है इन कंटिन्यूएशन टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस वेयर वी आर डिस्कसिंग द स्टेजेस ऑफ द लॉ। ओके, अब अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है गाइज, तो पिछली वीडियो में ध्यान दीजिए, हमने लॉ स्टेट किया था, अजम्पशंस की थी, टेबल डायग्राम बनाया था, उसके अलावा हमें ये लॉ में स्टेज वाइज इसको अटेम्प्ट करना होगा। अगर लॉ आता है लिखने को तो आपके सामने जो बोर्ड पे जिस तरीके से अटेम्प्टेड है वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा स्टेज वन इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है एंड कॉजेज की एक एक लाइन, स्टेज टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है एंड कॉजेज की एक एक लाइन एंड सिमिलरली फॉर नेगेटिव रिटर्न्स। सो तुम्हारा अटेम्प्टेशन कैसे होगा, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अजम्पशन ऑफ द लॉ, टेबल डायग्राम, स्टेज वन कॉजेज, स्टेज टू कॉजेज, स्टेज थ्री कॉजेज, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो चलो समझते हैं कि अब ये स्टेजेस क्या हैं। इफ़ यू लुक एट द डायग्राम, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही डायग्राम बनाया था, टीपी का कर्व ये ऊपर वाला है और ये एमपी जिसे मैं एक तीखा पहाड़ बोलती हूँ, इट्स लाइक अ तीखा पहाड़ कर्व, इट पीक्स एट दिस पॉइंट एंड देन इट गोज डाउन एंड देन फाइनली बिकम्स नेगेटिव। तो बस ये जो पहला पॉइंट है जहाँ पे एमपी कर्व पीक अटेन कर रहा है वहाँ तक स्टेज वन है, फिर स्टेज टू है जब तक एमपी जीरो हो रहा है एंड देन फाइनली टीपी फॉल्स एंड एमपी इज नेगेटिव, दैट्स द थर्ड स्टेज। तो स्टेज वन क्या है, स्टेज वन को हम कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बिकॉज भैया रिटर्न्स तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहे हैं। इस स्टेज में यू गाइज नो टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, पिछली वीडियो में अगर टेबल दिमाग में हो तो हमने ध्यान दिया था कि टीपी बढ़ रहा है एंड ईच टाइम दैट इट इंक्रीजेज द रेट इंक्रीजेज, मतलब पहले 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट। तो इस स्टेज में टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। सो व्हेन यू राइट दिस आंसर यू हैव टू टॉक अबाउट बोथ टीपी एंड एमपी, दोनों के बारे में बात करनी है। ओके, तो टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा और एमपी भी बढ़ा, दैट्स योर स्टेज नंबर 1 इंक्रीजिंग रेट। अब इस स्टेज का क्या कारण होता है, मतलब जब प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरुआत होती है तो ऐसा क्यों है कि टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज कॉजेज। पहला कॉज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अब तुम्हें पता है फिक्स्ड फैक्टर क्या है शॉर्ट रन में, वो जो चेंज नहीं हो सकता, जो फिक्स्ड है शॉर्ट रन के टाइम पीरियड में, एक साल के टाइम पीरियड के लिए, जिसको हम चेंज करके बढ़ा अपनी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, वो फिक्स्ड फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर क्या है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं और चेंज करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अभी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ लैंड पीस, एन एग्रीकल्चरल लैंड पीस, फिक्स्ड फैक्टर और लेबर वेरिएबल फैक्टर। अभी तुमने लैंड पीस लिया है, अभी तुम इस पे लेबर बढ़ाते जा रहे हो, सारे लेबरर अभी काम शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं एंड लैंड की भी बड़ी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सो लैंड इज ऑल्सो गेटिंग प्रॉपरली इरिगेटेड टेकन केयर ऑफ और जो लेबरर है वो भी बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। सो नटशेल में क्या हो रहा है, फिक्स्ड फैक्टर भी बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, वेरिएबल फैक्टर भी बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, विन विन सिचुएशन है, इसीलिए टोटल प्रोडक्शन टीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, धड़ल्ले से बढ़ रहा है, बिकॉज एवरीथिंग ग्रेट यूटिलाइजेशन। ओके, दूसरा यहाँ पर पॉइंट है बेटर कॉम्बिनेशन या बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। एक लैंड पीस है फिक्स्ड, उस पर पहले 5 लेबरर रखे, फिर 10 रखे, फिर 15 रखे, लैंड पीस काफ़ी बड़ा है, 15-20 लेबरर्स के लायक है। तो क्या है ना, लैंड और लेबरर के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लेबरर्स नहीं है, कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, जितने एप्ट होने चाहिए उतने हैं, तो काम बढ़िया हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, सो ओवरऑल टीपी इज इंक्रीजिंग यू नो ब्रिलियंटली। इसका एक एग्जाम्पल ना मैं तुम्हें क्लासरूम से भी दे सकती हूँ। थिंक अबाउट अ क्लासरूम वेयर देयर आर 20 किड्स एंड देयर इज 1 टीचर।
सो फिक्स्ड फैक्टर द टीचर, डोंट राइट दिस एग्जाम्पल, आई एम जस्ट यूजिंग दिस टू एक्सप्लेन. फिक्स्ड फैक्टर टीचर है, वेरिएबल फैक्टर बच्चे हैं, तो 20:1 का रेशियो इज ब्रिलियंट. कोऑर्डिनेशन बढ़िया बनी रहेगी, काम समझ में आएगा. सेम लॉजिक से फिक्स्ड फैक्टर पे जो वेरिएबल फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट राइट है, इस वजह से उनके बीच की कोऑर्डिनेशन अच्छी है. और इन्हीं दो कारणों से, बेटर यूटिलाइजेशन और बेटर कोऑर्डिनेशन की वजह से, इस स्टेज पे टीपी तेजी से बढ़ता है, यानी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है. एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, विच बाय द वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोड्यूसर, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ही पता चलता है कि एक एक वेरिएबल फैक्टर जो तुम ले रहे हो उसके आने से तुम्हें कोई फायदा हो भी रहा है कि नहीं, वो भी बढ़ रही है स्टेज पे. सो इट्स अ वेरी गुड स्टेज टू बी इन. ओके, अब दूसरा स्टेज कौन सा आता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, मतलब अब तुम्हारा काम चल पड़ा है, फिक्स्ड फैक्टर है, लेबरर है. वही लैंड वाला एग्जाम्पल लो, लैंड का एग्जाम्पल है. अब शॉर्ट टर्म में लैंड तो मैं बढ़ा नहीं पा रही, फिक्स फैक्टर है ना, मैं एक और लैंड पीस नहीं खरीद पा रही, पर मैं प्रोड्यूसर हूँ और मुझे लग रहा है यार मुझे अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाऊँ? लेबरर बढ़ाई चलती हूँ. अभी मैंने 15 लेबर रखे थे, चल मैं 20 रख देती हूँ, ज़्यादा जने होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी. यही सोच होती है प्रोड्यूसर की भी, ही कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर. अब जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा, टीपी अभी भी बढ़ेगी लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट. यानी टीपी लेट्स से 11 से लेट्स से पहले 11 से 13 हुई, फिर 13 से 14 हुई, तो 11 से 13 दो से बढ़ी, 13 से 14 बढ़ी है लेकिन एक से बढ़ी, यानी थोड़ी सी रुकावट टीपी में आने लग गई. क्यों? और इसी स्टेज पर एमपी विल स्टार्ट फॉलिंग. यू कैन नोटिस दिस, जब टीपी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी एक एक वेरिएबल फैक्टर. सी गाइस, जिन बच्चों को अभी ये बात नहीं समझ में आ रही एक एक वेरिएबल फैक्टर वाली बात, वो मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखे जहां पर मैंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को समझाया है, तब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घट रही है का मतलब है एक एक बंदा जो आप इंप्लॉय कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर जो आप इंप्लॉय कर रहे हैं, उनके आने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, घटने लग गई है. ओके, इसी स्टेज में टीपी मैक्सिमम हिट कर जाता है, मतलब उस लैंड पीस पे जितनी प्रोडक्शन हो सकती थी, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो हिट हो गई है. एंड इट हैज़ बिकम कॉन्स्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट? इफ माय लैंड कैन प्रोड्यूस 30 केजेस ऑफ राइस, आई हैव रीच्ड दोज 30 केजेस. मेरा लैंड 30 केजेस ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद वो 31 केजी भी नहीं बना सकता, वन मोर केजी नहीं बना सकता. इसीलिए द प्रोडक्शन इज मैक्सिमम 30 एंड कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, कुछ नहीं हो रहा. ठीक है, ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गई, जितनी हो सकती थी, कैपेसिटी पे आ गई और बढ़ नहीं रही, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो जीरो ही होगी ना. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक और लेबर के आने से, एक और वेरिएबल फैक्टर के इंप्लॉय करने से आपके टोटल प्रोडक्शन में कितना फर्क पड़ा. एक और लेबर ले भी आओगे, अगर लैंड की कैपेसिटी ही 30 किलो चावलों की है, तो 31 किलो कहाँ से उगाओगे? सर पे तो नहीं उगाने वाला, लेबरर अपने ही सर पे उगा लेगा, वो तो नहीं होने वाला, राइट? सो दैट इज वाई एमपी टर्न्स आउट टू बी जीरो इन दिस स्टेज. ओके, अब इसके कारण, पहला कारण, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. मैंने क्या कहा, लैंड बढ़ा नहीं सकते, शॉर्ट रन चल रहा है, तो क्या करें, लेबर बढ़ाओ. अब लेबर बढ़ा लिया, उगाओगे कहाँ? तो चलो पहले इतनी स्पेस देके उगाया था, अब ठूस ठूस के उगाते हैं, तो यू आर ओवर यूटिलाइजिंग फिक्स्ड फैक्टर. अगर मशीन का एग्जांपल लें, मशीन फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर लेबर, तो पहले एक मशीन पे 5 जने लगा रखे थे, अब तुम्हें लग रहा है कि यार ये 10 लोग और आ जाएं, ये मशीन ज़्यादा अच्छे से चल जाए, कैसे चलेगी? यू आर ओवर यूटिलाइजिंग इट, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हो. अगला पुअर, पहले मैं ये थर्ड पॉइंट करवा दूँ, अगला कॉज पुअर कोऑर्डिनेशन, वही हो रहा है. 20:1 का रेशियो था क्लास में, बढ़िया चल रहा था, 30:1 हो गया, गड़बड़ होनी शुरू होगी, वर्स नहीं है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ाने लग गया सिस्टम, क्योंकि इतने बच्चे हैं, एक टीचर कंट्रोल नहीं कर पा रही, कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है. सिमिलरली फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर ही बढ़ाई जा रहे हो, उसकी भी एक लिमिट है, तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ रही है, मज़ा नहीं आ रहा. तीसरी बात, तीसरा एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन हियर इज imperfect substitution of factors. ये बात आप याद रखेंगे because ये standalone question हो सकता है. imperfect substitution of factors का मतलब है, हर producer सोचता है कि short run में fixed factor तो मैं छेड़ नहीं सकता, variable factor को बढ़ा के मैं अपनी production बढ़ा सकता हूँ, लेकिन
वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं। यानी जो काम फिक्स्ड फैक्टर कर सकता है वो फिक्स्ड ही कर सकता है, और जो काम वेरिएबल फैक्टर कर सकता है वो वेरिएबल ही कर सकता है। लैंड अपना काम कर सकता है और लेबरर अपना काम कर सकता है। जब आप लैंड नहीं बढ़ा पाते, फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ा पाते, और आप सोचते हैं लेबरर बढ़ा लेती हूँ उससे मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि लेबर और लैंड एक ही बात है। दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, विच इन टेक्निकलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी इज नॉट पॉसिबल, है ही नहीं यार। लेबर लैंड पे काम कर सकता है, अपने सर पे खेती नहीं कर सकता। दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो क्योंकि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं और आपकी प्रॉब्लम है, आप फिक्स फैक्टर बढ़ा नहीं सकते, और आपकी एक गलत सोच है, आप सोच रहे हैं कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो ये मिसमैच होना शुरू हो जाता है। देयर इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और इसी के चलते प्रोडक्शन इस स्टेज में पहुंचती है। ओके, क्लियर। फाइनली, अब अगर यहाँ पे भी प्रोड्यूसर को अकल नहीं आई और उसने फिर पुश किया कि यार मैक्सिमम कांस्टेंट रीच कर चुकी है, टोटल प्रोडक्शन जितनी कैपेसिटी थी, तुम्हारी फैक्ट्री की कैपेसिटी थी 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, कर लिए, इस स्टेज में कर लिए, पहुंच गए। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो एक लेबर और एम्प्लॉय करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की सोचेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो थर्ड स्टेज आ जाएगी, विच इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इट्स नेगेटिव, योर टीपी इज फॉलिंग, योर एमपी इज नाउ नेगेटिव, विच मीन्स तुम और वेरिएबल फैक्टर लेके तो आ रहे हो, लेकिन उनके आने से तुम्हारी टोटल प्रोडक्शन घट ही रही है, बढ़ नहीं रही, तुम्हारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो गई है। कोई भी समझदार प्रोड्यूसर इस स्टेज में नहीं जाना चाहेगा। जब मैक्सिमम कांस्टेंट हिट हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी उनका शॉर्ट रन खत्म हो जाता है और वो नया लैंड पीस खरीदेंगे, नई फैक्ट्री लगाएंगे, सो दे ग्रो लाइक दैट। नोबडी वांट्स टू बी हियर इन दिस स्टेज। ओके, अब इस स्टेज के कारण क्या है? पहला, अगर आपने अपनी कैपेसिटी हिट करने के बावजूद वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करना शुरू किया, देन द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट यू फेस इज fixity of fixed factor, यानी fixed factor fixed है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। Land piece आपका over utilize हो गया, capacity full हो गई, अब या तो नया piece खरीद लो, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उस पर जितना मर्जी मगजमारी करो, the total production is not going to increase। Similarly, overcrowding of variable factor, अब सोचो अपना class वाला example लो, 1:20 था, बहुत बढ़िया coordination थी, 1:30 हुआ, थोड़ा गड़बड़ाने लगी, 1:70 कर डालो क्लास में, वेरिएबल फैक्टर ही भर डालो, फिक्स फैक्टर को एक रखो, फिर मजे लो क्लास के, कोई नहीं पढ़ता, चार बच्चे भी बेचारे बहुत स्ट्रेन लेके पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अदर्स प्ले अराउंड, कोई कुछ नहीं सीखता। एंड लेट मी टेल यू एज अ टीचर, आई नो दिस, इट्स एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अ टीचर हु रियली वॉन्ट्स टू टीच, बिकॉज 70 बच्चों को तो आप बस डिसिप्लिनरी एक्शन ही करते रह जाते हो, पढ़ाई तो कहीं होती नहीं। दिस हैपन्स जब एक फिक्स्ड फैक्टर आप बढ़ा नहीं सकते, आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाई जा रहे हैं बियॉन्ड अ पॉइंट, जब कैपेसिटी रीच कर चुकी है तो ओवरक्राउडिंग हो जाती है। तो जैसे होता है ना, हमारे यहाँ देश में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा सीन है, ये यही प्रॉब्लम है। व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? आपको अपने लैंड पीस पे चाहिए 20 लोग, लेकिन 10 आप फालतू में लाके बैठाए हुए हैं, क्योंकि 10 वो लोग हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, नोन्स हैं गांव में, एंड दे वांट टू बी एम्प्लॉयड, तो काम के नाम पे आपने उनको अपने फील्ड पे लगा दिया है। वो 10 आके आपकी टोटल प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं ला रहे, क्योंकि वो ला ही नहीं सकते, क्योंकि कैपेसिटी उनके आने से पहले ही रीच हो चुकी है। तो वो 10 आकर क्या करते हैं, दिस इज ओवर क्राउडिंग, तो वो क्या करते हैं, वो चल यार ब्रेक ले लेते हैं, चल यार लेट्स गो आउट फॉर अ स्मोक, चल यार छोड़, ओहो ये ऐसे नहीं लगाना था, ये ऐसे लगाना था, ये क्या कर दिया, पानी ऐसे नहीं देना था। तो वो जो 20 काम कर रहे हैं वो उन्हें भी काम नहीं करने देते, ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर विच इवेंचुअली लीड्स टू नेगेटिव रिटर्न्स। आई होप इट इज क्लियर कि शुरुआत में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर की यूटिलाइजेशन अच्छी है, धीरे धीरे ओवरक्राउडिंग, ओवर यूटिलाइजेशन होने लगती है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो डिक्रीजिंग रेट पे टीपी बढ़ती है। एंड फाइनली अगर कोई समझदार प्रोड्यूसर स्टिल वांट्स टू मूव आउट ऑफ सेकंड इनटू थर्ड स्टेज, तो वो नेगेटिव रिटर्न्स फेस करेगा, क्योंकि ओवरक्राउडिंग हो गई है, काम नहीं करने देंगे, एंड आपका फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड है। अब समझदार प्रोड्यूसर शुड नो दैट यू नीड टू ग्रो आउट ऑफ दिस, निकलो, एक और फिक्स फैक्टर अरेंज करो और वहां पर फिर लेबर या वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करो। ओके, आर वी क्लियर? सो व्हाट इज द बेस्ट स्टेज टू बी इन
इस पूरे लॉ में प्रोडक्शन प्रोसेस में बेस्ट स्टेज कौन सी है? कई बच्चे कहते हैं पहली स्टेज, क्योंकि यहाँ सब कुछ बढ़ रहा है, बट इकोनॉमिक्स में कहा जाता है सेकेंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज. क्यों? क्योंकि इस स्टेज में माना कि बढ़ रही है टीपी, एमपीपी बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी तो बढ़ रही है. प्रोड्यूसर इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाएगा, यूनिट्स लगाएगा, छोड़ थोड़ी ना देगा बीच रास्ते में अगर बढ़ रही है टीपी. तो सेकेंड स्टेज में टीपी बढ़ती भी है और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी रीच भी करती है. तो अगर मैं फैक्ट्री लगाऊं जिसकी कैपेसिटी 50,000 यूनिट्स की है, जो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, तो मैं 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन पे थोड़ी ना रुक जाऊंगी. आई वुड वॉन्ट टू रीच दैट 50,000 यूनिट्स. जब मैं वो 50,000 यूनिट्स अचीव कर लूंगी तो बस आई एम हैप्पी. तो सेकेंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द प्रोड्यूसर टू बी इन, बिकॉज हियर द टीपी इज इंक्रीजिंग, अभी भी बढ़ रही है चाहे डिक्रीजिंग रेट पे. एमपी फॉल कर रहा है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है. और सबसे बड़ी बात, टीपी इसी स्टेज में मैक्सिमम और कांस्टेंट होती है, इसीलिए ये स्टेज बेस्ट स्टेज है. ओके, अब एक और क्वेश्चन, क्या ये लॉ पोस्टपोन हो सकता है? मतलब हम कहते हैं हमेशा यही होगा, पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर घटेगा. क्या ये थोड़े समय के लिए आगे किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर लें तो आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज को बढ़ा सकते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज को आने से थोड़ा रोक सकते हैं. टेक एन एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर. तुमने एक लैंड पीस लिया, उस पर लेबरर बढ़ाए, साथ में तुमने मशीनें भी इंप्लॉय कर ली, तो तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स का स्टेज थोड़ा लंबा चलेगा. अब अगर हम ऑफिसेज में मशीन्स की बात करें, अगर मशीन्स की मेंटेनेंस अच्छी की, अपडेशन अच्छी की, तो हो सकता है वो लंबे समय तक इन दोनों स्टेजेस में रहें. थर्ड स्टेज आने के चांसेस या डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने के भी चांसेस कम हो जाएं.